दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत भूषण कौशल पेले भाई में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कोबरा कैसे हमारे द्वारा पकड़ा जाता है और कैसी विषम परिस्थितियों में था। गरीब परिवार था, उसको निकालना भी जरूरी था। जो मालिक है उनका व्यवहार भी थोड़ा ठीक नहीं था, परंतु उन्होंने मेहनत की और उसको पकड़ लिया। आप देखिए कि वो कैसे निकलता है। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों यहाँ सांप बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति है सांप की कि निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। कोशिश करने आ गए हम, देखते हैं। एक पानी का पाइप मंगाया जा रहा है, उसमें देखेंगे कैसे। फिनाइल साथियों देखिए, ये इसमें सांप बैठा हुआ है और काफी उम्र का सांप है, काफी बड़ा सांप है। सांप तो नहीं आया, पर वो तुम्हारा दोबारा पाइप खींचो दोबारा डाल लो। दिख गया। रुक जाए, गुंड कोई चीज कपड़ा दो जरा ना। हाँ पाइप दे, कपड़ा दो, इससे कपड़े खींचो, कपड़ा बांध दो ना, तब सांप उधर ही पकड़ लेंगे। चलो खींचो, जल्दी भाग के जा। साथियों सांप को निकालने के लिए एक ट्रिक अपनाई जा रही है। अगर सफल हुआ है तो आपको देखने को मिलेगा कि 18-20 साल की उम्र का सांप है, काफी बड़ा सांप है। खतरा तो बहुत होता है, बहुत बड़ा रिस्क है हमारे लिए, उस परिवार के लिए भी। तो खींचो, रुक जाओ, लो रुक जाओ उधर आने दो मुझे, चलो। अरे आप यहाँ, आप यहाँ तो यहाँ यहाँ बैठ, देख बना देख मैं। तुझे बैठ, खींचो वही देख, आराम से बैठ के, आराम से बैठ के भी खींचो। साथियों ये देखिए, अरे यहाँ खींचे, यहाँ बना दे बैठ। साथियों देखिए किसको लेट जाता, ये देखिए ये कैसे किचन से बाहर निकल रहा। खींचो पाइप खींचो, ये देखिए खींचो, मुंह छुट जाता। खींचो आराम से, यहाँ बैठ, खींचते रहो। साथियों देखियो इस समय कितना बड़ा खतरा होता है ये सांप को निकालने में, और एक बार ये इसको छोड़ना पड़ा क्योंकि सही पकड़ नहीं आई थी हमारे पास की। अब इसकी हम काम करेगा, कोशिश करेंगे सही पकड़ने की। काफी उम्र का सांप है ये देखिए, ये देखे।
ये देखिए कितने गुस्से में है ये, इसको पकड़ना बड़ा भारी पड़ेगा। अब ये इस बेड के नीचे घुस गया, काफी बड़ा सांप है, दिक्कत से बाहर निकला, और अगर आमने सामने की बात होती तो पकड़ में आ जाता, परंतु सांप ऐसी जगह बैठ गया जिसको टॉर्च भाई आज अंदर आ जा चाचा, अंदर में हाँ है? अरे मुझे पकड़ना है उसको यार, अंदर तो आ जाओ, कोई मदद कौन करे। सिर्फ ये है कि इसको भी कुछ ना हो और आपके परिवार को भी कुछ ना हो, ऐसे अगर लोग भागने ऐसे अगर लोग भागने लगे तो भैया सांप भी बच गया और इंसान ही बच गया। देखिए इसके कांचली है, ये उतार रहा है, ये काफी गुस्से में इसको पकड़ लिया गया। झूली बोलो झूली बोलो साथियों, काफी उम्र का सांप है, करीब 25 साल इसकी उम्र है, इसको पकड़ लेगा। इसने अभी कांचली उतार रहा था ये, और काफी खतरनाक होता है सांप। और ये देखिए ये इसकी आंख पे भी झिल्ली, देखिए ये बनी हुई है, इसकी आंख पे भी झिल्ली हटा दी गई है, और ये देखिए सांप को तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना एक स्वाट को दे, वन विभाग को दे या हमें दे, ये प्राकृतिक जीव, इसको बचना भी चाहिए, और ये बचेगा तो हम ही बचेंगे। और यदि हर आदमी इस घर के मालिक जैसा हो जाए तो कुछ सांप भी मरेंगे और कुछ इंसान ही मरेंगे। जब तक आदमी कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम वन विभाग का है, मेरा नहीं है, मेरी सेवा भाव है, जो मैं अपना कितना रिस्क लेता हूँ। अगर ये काट ले तो आदमी की बहुत निश्चित है। अच्छा थैला खोल, थैला खोल, आ जा यार, अरे थैला खोल ना, अरे रहने तेरे, यहाँ कैमरा खोल, ये आ जा, नहीं 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 वो आ जा यार, भाई डर लग रहा है। अरे इससे क्या पकड़ रहा है, छोड़ दो इसे यहीं पे, अरे हाथ से खोलना, मैंने पकड़ा उसको यार, अरे तू मैं पकड़, अरे तेरे थैला मुझे यहाँ पे दे, ले मेरा हाथ थैला, लड़की तू आजा, अरे आजा, अरे कुछ नहीं होता, पकड़ ले बेटी को, हिम्मत वाली है बॉस, ये तो बिल्कुल ऐसा है, ये तो बिल्कुल लैंड हो रहा है, बिल्कुल हाथों की, तुम आजा, तुम आजा भाई, तुम ही आ जाओ। सांप का मुंह पकड़ का सब कुछ नीचे भाई, नीचे को इसको इसके अंदर अंदर लो इसके, नहीं नहीं इसके भाई, इसको इसके अंदर इसको, इसकी पूछ इसके अंदर घुसनी चाहिए। क्यों नहीं करता, में नहीं काटेगा ना, क्यों नहीं काटता, वो छोड़ रहा है, अंदर नहीं घुसेगा ना। सांप को पकड़ लिया गया, परंतु मुझे बहुत बेकार लगा है मकान मालिकों को यार, आगे अगर कभी फोन करेंगे तो मैं कहूंगा कि वन विभाग को बुलाएं, हमें ना बुलाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारत भूषण कौशल पहले भाई में, सर्व पित्र बेवाला देहरादून उत्तराखंड से। ये सांप बड़ी मुश्किल से पकड़ गए, पाइप से निकालना पड़ा, और जिनके घर में था वो भी थोड़ा बदतमी से बात कर रहे थे कि जैसे कि हम इन्हीं सांपों को बचाने की कमाई खाते हैं, इन्हीं सांपों से हमारा उचल रहा है, एक मन में सेवा भाव हमारे प्रति नहीं था उस व्यक्ति का, और बाकी परिवार तो और दूसरे लोग आ गए थे वहाँ से, काफ़ी अच्छे लोग थे। इसको अब इसके प्राकृतिक छोड़ा जा रहा है, ये देखिए जो बत्ती कर रहा है उसके बिस्तरे पर इसने कांचली छोड़ दी, अभी देखिए आराम से जाएगा कि ये डरा के जाएगा, ये इसकी प्रकृति जाने
ये देखिए निकला है, काफी बड़ा सांप है, काफी उम्र का सांप है ये। ये देखिए ये कहाँ चढ़ रहा है, आप ये देखिए कि सांप कहाँ पर जाकर बैठ गया। ये पहाड़ों से बहकर आए हुए सांप लग रहे हैं, क्योंकि वहीं पर ही पेड़ पर सांप रहता था और इसको क्योंकि यहाँ पर इसको थोड़ा खतरा हो सकता था, इसको नीचे उतार देगा जंगल में, इसको छोड़ा जा रहा है। देखिए ये पेड़ पर ही चढ़ने की कोशिश कर रहा है सांप। Gracias.